اللهم صل على محمد وآل محمد. एक चीज आजकल और बहुत फैलाई जा रही वो ये है कि हजरत हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम की रजाई वालिदा नहीं थी. अच्छा देखिए, अभी मैं आपके सामने इसकी चीज पेश करता हूँ कि बहुत सारी चीजें ये क्यों चीजों ये आखिर इनको इन बहसों को लाने की जरूरत क्या, अभी तो आपको पता नहीं है ना. देखिए हम फिर वही बात कह रहे हैं कि जब वो इनहराफ बन जाता है और एक पूरा तनावर दरख्त बन जाता है, उसके बाद अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हैं कुछ नहीं होगा. मुसलसल ये चीजें जो है ना फरोख पा रही हैं, और आपको पता है कि आजकल ज्यादातर सारी जंगें सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही हैं, सारे अफकार सोशल मीडिया के ऊपर फैलाए जा रहे हैं, और इंटेलेक्चुअल हजरात पढ़े लिखे अफराद जो कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं उनके दिमागों को मसमूम करने के लिए जहर आलूद बनाने के लिए चीज़ें डाली जाती हैं. तो हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पैगंबर इस्लाम की रजाई वालिदा, इन जिनकी कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में, मोमिनीन सब वहां पर जाते हैं. और मक्के ही में या उस जगह के ऊपर कि जहाँ पर हज़रत हलीमा रहा करती थी, एक मनसूब मुकाम भी है कि जहाँ के मुतालिक ये बात कही जाती, जाहिर है कि वो अब तो इतनी साबित शुदा नहीं है, कि यहाँ पर हज़रत हलीमा रहा करती थी. तो माशाल्लाह अब उनके ईमान को मशकूक बनाने के लिए बहुत सारी बातें कही जा रही, और कुछ अफराद तो माजल्ला सुमा माजल्ला नकल कुफर कुफर ना बाशद, वो कहते हैं कि उनका ईमान भी मशकूक था या वो काफिरा थी. तो ये कैसे मुमकिन है कि पैगंबर ने उनका दूध पिया हो. और बाज़ शायर नुमा जाकिर या जाकिर नुमा शायर इस किस्म की बातें मजलिसों में पढ़ना शुरू हो गए. देखिए बातिल की हमेशा से एक और बात दिमाग में रखी, बातिल की हमेशा से एक हिकमत अमली है जिसे कहा जाता है मुकद्दसात की तौहीन, मुकद्दसात की तौहीन करना. अब आप देखें कितने मजालिम हो गए थे करबला में, लेकिन लाशों की पायमाली क्यों करवाई गई, सरों को काटकर शोहदा के नेजों पर क्यों बुलंद किए गए, खवातीन इस्मत व तहारत को सरों से चादरें छीनकर बाजारों में क्यों घुमाया गया, इसी तरह से कब्रों की तौहीन वो लोग क्यों करते थे, हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक को मख्फी क्यों किया गया, और उनके जिस कब्र को खोदकर जिस्म निकालने की और उस पर नमाज पढ़ने की धमकी क्यों दी गई, इसी तरह से मौला की अपनी कब्र जो है वो मख्फी कितने अरसे तक मख्फी रही और उसके बाद फिर जाहिर हुई. तो हमेशा से देखिए जालिम बादशाह इन कब्रों को खुदवाते भी रहे हैं. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर तो हल चलवाए गए, नहरों का जो पानी का रुख वहाँ पर मोड़ा गया, और जिस एतबार से आले सऊद ने जो जन्नतुल बकी वगैरह को मिसमार करवाया मुकद्दसात की तौहीन, और मौजूदा ज़माने में जो नासिबी हजरात हैं और दुश्मनान अहले बैत यही काम शाम और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अंजाम दे रहे हैं कि मज़ारात को जो मुकद्दसात हैं उनको मुनहदिम कर रहे हैं, मसाजिद को मुनहदिम कर रहे हैं, इमाम बारगाहों को धमाकों से उड़ा रहे हैं, हुजर इब्ने अदी की कब्र वगैरह का जो आपने कुछ अरसे पहले देखा, उनकी बेहरमती की कब्र मुबारक की, उनकी हज़रत जाफ़र तैयार के मज़ार को जो नुकसान पहुँचाया, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार के ऊपर जो है वो अक्सर व बेशतर बमबारी करते रहते हैं, हज़रत रुकैया का तो कितने अरसे के बाद उसको जिस हालत के अंदर उनके रोज़े को हज़रत सकीना के हज़रत रुकैया के जो इतना नुकसान पहुँचाया और अब वहाँ से शामी फ़ौजों ने उसको आज़ाद करा है. तो ये तो एक तरह से फिज़िकल तौर पर जो हमले करते थे ये भी मुकद्दसात की तौहीन फिज़िकली करते थे. दूसरा तरीका है मुकद्दसात की तौहीन का, वो है इल्मी और तहरीरी तौर पर तौहीन करना. मसलन हम कब से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईमान को साबित करते आ रहे हैं, शख्सियात जो मुकद्दस शख्सियात हैं उनको मशकूक बनाना, उनके ईमान को मशकूक बनाना, शक का बीज डालने से भी एहतराम में कमी होती, वो बातिल इसके ऊपर भी काम करता है, और यही बात गुलू के अंदर भी पाई जाती. जाहिर है कि अगर कोई हज़रत अली को अमीरुल मोमिनीन को अगर कोई शख्स अल्लाह साबित करता है तो बावजूद है कि अपनी तमाम तर अजमतों के उसके बावजूद वो अल्लाह हो तो नहीं जाएंगे,
तो जो उनके हकीकी फजाइल हैं लोग उनको भी मानने से इनकार कर देंगे। हकीकी फजाइल कितने ही नौजवान आज ऐसे हैं कि जो फजाइल की बहुत सी सही रिवायात को भी उलमा के सामने पेश करते हैं कि ये बताइए कहीं इसमें गुलू तो नहीं। यानी जो अब क्या हुआ, गुलू को इतना फैलाया गया कि उनके हकीकी और असली फजाइल हैं वो भी लोगों की निगाह में मशकूक हो रहे हैं कि पता नहीं इसमें भी तो गुलू नहीं हो जाएगा कहीं इस अगर इस हदीस को हम इस पर अगर एतकाद रख लें। और यही उनका मकसद है। गुलू के पर्दे में भी असल में तफसीरी की साजिश जो है वो की गई। तो मसलन किसी, मैंने पहले भी मिसाल दी थी, अगर कोई आम से कोई शख्स है आदमी, उसको अगर आप मुज्तहिद कह दें, सारे वो मुज्तहिद बन तो नहीं जाएगा, बेचारे की जो हैसियत है, जो मामूली से थोड़ी बहुत हैसियत है उससे भी जाएगा, वो दो सवालात के जवाब में वो जलील हो जाएगा लोगों के सामने। तो देखिए गुलू और तफवीज़ के अंदर भी यही नुकसान उलमा कहते हैं कि एक खास साजिश है कि बाकायदा अगर कोई शख्स वाकयातन उनके फजाइल देखकर करीब भी आना चाहे तब भी गुलू और तफवीज़ वगैरह को देख के भाग जाए, अरे कहीं मैं कुफर और शिर्क का अंदेशा लाहक हो जाएगा, कहीं मैं काफिर और मुशरिक तो नहीं हो जाऊंगा इस बात को अमल करने से। तो इस किस्म के अफकार को जो गालियाना चीज़ें फरोग यूं दिया जा रहा है ताकि लोग अहले बैत से दूर हो जाएं, करीब नहीं आएंगे दूर करने के लिए। तो इसी वजह से नहजुल इसरार है या मसलन खुतबा अल बयान है, इस तरह के कितने खुतबात लोगों के अंदर आम तौर पर जाकिरीन मजालिस से भी पढ़ रहे हैं इसको, उसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो इसमें से इक्तबास निकाल निकाल के जो इंटरनेट के ऊपर भी पोस्ट की जाती हैं और लोगों को इसमें वो किया जाता है। तो ये भी उसी की एक साजिश है। इस लिहाज से आप इस बात को देख सकती हैं कि जब भी उलमा ने फतवा दिया है कि हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करना हराम, कितना बलीग और गहरी निगाह का फतवा ये। आगा सिस्तानी ने कहा कि बाकायदा कि गैर शिया मुसलमान जो हैं वो हमारे नफ्स और जान हैं, और रहबर मौजम ने और दीगर तमाम महाराजे ने भी मुकद्दसात की तौहीन को, हाँ इल्मी लिहाज से मुहाकमा एक अलग चीज़ होता है, तासुबात वगैरह को निकाल कर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कि इल्मी तरीके से बात साबित की जाती है वो तो अपनी जगह बाकी रखना, लेकिन तासुबात की आग को फरोग देते चले जाना ये बातिल ये चाहता है। खुद आप देख लें कि जो आज ये सरों को काट के फुटबॉल खेलना और फलां और ये सब की चीज़ क्या है, ये आप फिरका वारियत को मजीद उभारने के लिए, वरना कोई भी शख्स जो आवामी तौर पर पजीराई चाहता है वो कभी भी ये वाले काम नहीं करेगा, उसे पता है कि नहीं ये तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन उनको इस बात की परवाह नहीं है क्योंकि वो चाहते ही कि इसके जरिए तफरका फरोख पाए। तो ये तमाम चीज़ें देखिए इस तरह की हैं। तो बड़ा बलीग हमारे उलमा ने फतवा दिया कि जो मुकद्दसात की तौहीन है ये तौहीन करना हराम है। खाली सिर्फ यही नहीं कि आसिफ हमारे मुकद्दसात, बल्कि हम दूसरे लोगों के मुकद्दसात की भी तौहीन उसको भी हराम समझते हैं। तो अब ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी हैं कि मुसलसल कि हज़रत हलीमा सादिया की शख्सियत को भी कुछ दागदार किया जाए। अच्छा अलबत्त कुछ चीज़ें लोग उसके तौर पर पेश करने लगे हैं, जैसे कि मसलन हम इस किताब की, और बहुत बेहतरीन किताब है, तकरीबन हर शिया के घर में किताब मौजूद भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें फाजिल जो मौलफ हैं इसके, उन्होंने अपना ज़ाती नज़रिए के तौर पर हाशिया डाल के जो चीज़ें लिखी हैं तो उसको लोग अक्सर बेस बना रहे हैं। ये खुद किताब बहुत अच्छी है, और ज़रूरी नहीं कि मसलन किसी चीज़ को, कोई बात किसी नुक्ते से अगर इख्तलाफ किया जाए तो लोग उसे पूरी किताब या उस मुसन्निफ़ के खिलाफ उस बात को समझने लगें, ऐसा नहीं। तो इस किताब के अंदर बाकायदा ये चीज़ लिखी गई है, ये उसी किताब का सफ़ा ही है कि रिवायत के ज़रिए चीज़ लिखा है कि पैगंबर की पैदाइश को भी दो माह भी ना होने पाए थे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया मदीने में, क्योंकि वो वहाँ तिजारत के लिए गए थे, और उन्होंने सिवाय पांच ऊँटों और चंद भेड़ों और एक हबशी कनीज उम्मे ऐमन के अलावा कुछ विरसे में ना छोड़ा था, और हज़रत आमिना को हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात का इतना सदमा हुआ कि दूध खुश्क हो गया। चूँकि मक्के की आबो हवा बच्चों के वास्ते चंदा मवाफिक ना थी, इस वास्ते नवाह की बद्दू औरतों में से दूध पिलाने के लिए के वास्ते तलाश की गई। अन्ना के दस्तियाब होने तक अबू लहब की कनीज सोबिया ने हजरत अजद आन हजरत को तीन चार महीने तक दूध पिलाया। अकवाम बद्दू की आदत थी कि साल में दो मरतबा मौसम बहार और मौसम में खजा में दूध पिलाने और बच्चा पालने की नौकरी की तलाश में आया करती थी। आखिर हलीमा सादिया के नसीबे ने जोर किया और वो आपको अपने घर ले गई, और आप हलीमा के पास परवरिश पाने लगे। ये तारीख इस्लाम के एतबार से लिखा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने नीचे लिखा है मुझे इस तहरीर के इस जुज से कि रसूल खुदा को सोफिया और हलीमा ने दूध पिलाया इत्तेफाक नहीं। अच्छा फिर नीचे लिखा है कि अगर तकरीबन
اگرچہ تقریباً تمام مورخین نے صحبیہ اور حلیمہ کے متعلق لکھا کہ ان عورتوں نے حضرت رسول اکرم کو دودھ پلایا تھا اور تھوڑے دنوں نہیں بلکہ کافی عرصے تک پلایا تھا، لیکن میرے نزدیک درست نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کسی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کو اس کی ماں کے علاوہ کسی اور نے دودھ پلایا ہو۔ حضرت نوح سے حضرت عیسیٰ تک کے حالات دیکھے جائیں، کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی جسے رسول خدا کو حلیمہ وغیرہ کے دودھ پلانے کی تائید ہوتی ہو، اور ہمیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے قدرت کو اس امر پر اصرار شدید تھا کہ وہ اپنے نبی کو اس کی ماں ہی دودھ پلائے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم اور موسیٰ کا واقعہ دیکھیے، اندازہ لگائیے کتنے ناسازگار حالات و واقعات میں ان کی ماں کو دودھ پلانے کے لیے ان تک پہنچایا گیا، اور جب ایسا دیکھا کہ ماں کے پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے تو خود اسی بچے کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیے، جیسے کہ ابراہیم کے لیے ہوا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر بچے کو ماں کا دودھ دستیاب نہ ہو سکے تو کسی دوسرے طریقے سے شکم سری ہو جائے۔ ان حالات میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انبیاء ما سبق کے طریقے سے ہٹ کر رسول اکرم کو ماں کے علاوہ کسی دوسرے کے دودھ پلانے کو کیوں کر تسلیم کیا جائے، خصوصاً ایسی صورت میں جب یہ بات تسلیم شدہ ہو کہ دودھ سے جو گوشت پیدا ہوتا ہے وہ نسب کے گوشت و پوست کی مانند ہوتا ہے، اور دودھ پلانے سے وہ رشتہ ناجائز ہو جاتا ہے جو نسب سے ناجائز ہوتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں جبکہ ماں موجود تھیں اور عہد رضاعت کے بعد تک زندہ رہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن حضرت کو جناب آمنہ نے دودھ پلایا تھا اور حضرت صحبیہ و حلیمہ نے ان کی پرورش و پرداخت کی تھی۔ میرے اس نظریے کو اس سے اور تقویت پہنچتی کہ خدا نے حضرت موسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دودھ پلائے جانے کے سوال سے پہلے ہی تمام دائیوں کے دودھ کو موسیٰ کے لیے حرام کر دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے خدا حضرت موسیٰ کو ماں کے علاوہ کسی کا بھی دودھ پینے سے بچانے کا اتنا اہتمام کرے، اور فخر موسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ وہ اس طرح نظر انداز کرتے کہ ایسی عورتیں انہیں دودھ پلائیں جن کا اسلام بھی واضح نہیں ہے۔ یہ بات بہرحال ان کا ایک اپنا نظریہ جو کہ ابھی ہم آگے چل کر مجتہدین وغیرہ کے اس سے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ یہ کافرہ تھیں معاذ اللہ، اور اس بات کو پروموٹ کیا جانے لگا، وہی مقدسات کی توہین کہ پیغمبر اسلام کے اتنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کافر معاذ اللہ ثابت کیا جائے۔ انہوں نے تو اپنا ایک نظریہ دیا، ہمیں اس پہ وہ نہیں ہے، ہم تو اس سے کیونکہ لیکن لوگ اس سے استنباط کر رہے ہیں ان کی اس کتاب سے، اس وجہ سے مجتہدین کا آپ کو فتاوی وغیرہ سلسلے میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، کچھ افراد ایسے بھی ہیں وہ تو اتنی عجیب و غریب دلیلیں بھی دینے لگے ہیں کہ معصوم کو فقط معصومہ ہی دودھ پلا سکتی۔ اب دیکھا جائے تو سوائے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کسی کی بھی ماں بھی معصومہ نہیں تھی، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی اپنی والدہ گرامی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود معصومہ نہیں تھی۔ تو یہ تو خیر ایک ایسی بات ہے جو کہ زور خطابت وغیرہ کے اندر کی جاتی ہے۔ تو پھر یہ آخر پیغمبر کی اپنی والدہ کے ہوتے ہوئے کیوں دائی کے سپرد کیا گیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے؟ اس کی جو وجہ ہے وہ آغا ابراہیم آیتی نے تاریخ پیغمبر اسلام کے اندر نقل کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادر گرامی پیغمبر کی کم شیرگی اس بات کا سبب بنی تھی، وہاں کے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے جو وہاں کا موسم ہے کہ وہاں پر ان کا دودھ کم ہو گیا تھا پیغمبر کی والدہ کا، تو اس وجہ سے اس بات کا سبب بنی یہ بات کہ پیغمبر کو ایک رضائی ماں کے سپرد کیا جائے، تو یہ اہتمام ہوا۔ اچھا، اب اس کے اندر جو بھی آپ نے پچھلی دلائل سنے ان کے، اس کے اندر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ پر دودھ کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، اور قرآن کی ایک آیت کا حوالہ بھی اس کے اندر دیا، وہ یہ ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اچھا، یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرام قرار دینا یہ حرمت تشریعی نہیں تھی بلکہ حرمت تکوینی تھی۔ ایک ہوتی ہے حرمت تشریعی، یعنی شریعت کے لحاظ سے، جس طرح آپ کہ مثلا شراب پینا حرام ہے، حرمت تشریعی ہے یعنی شریعت کے اندر حرام ہے، اور ایک ہوتی ہے حرمت تکوینی، کسی خاص وجہ سے اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ موسیٰ اپنی ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ نہ پیں، اس کو حرمت تکوینی کے عنوان سے۔ تو علماء نے جب جہاں اس کی تفاسیر لکھی ہیں وہاں صرف آپ صرف عربی کے ایک لفظ کو نہیں پکڑ لیں گے کہ ہم نے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ بھی پیدا ہوئے تھے، ابھی نابالغ تھے، ابھی ان کے اوپر جو ہے اس لحاظ سے شریعت کے احکامات کے لحاظ سے
ये परवरदिगार कह भी नहीं सकता था कि उन पर दूध शरान हराम करार दे दिया था हमने, ये नहीं था, बल्कि तकवीनी तौर पर हराम, और उसकी एक वजह थी। अच्छा, वो वजह क्या थी? वजह खुद कुरान ने बताई कि पैदाइश के बाद ये खौफ था कि मूसा कत्ल ना कर दिए जाए, क्योंकि हर बच्चे को फिरौन कत्ल कर रहा था, तो खुदा ने हुक्म दिया कि तुम बच्चे को दूध पिलाओ। मसलन ये कुरान की आयत भी है, और हमने मूसा की वालदा के दिल में ये बात डाली कि तुम उन्हें दूध पिलाती रहो, फिर जब तुम्हें उन पर कत्ल किए जाने का अंदेशा हो जाए तो उन्हें दरिया में डाल देना, और ना तुम इस सूरत हाल से खौफजदा होना और ना रंजीदा होना, बेशक हम उन्हें तुम्हारी तरफ वापस लौटाने वाले हैं और उन्हें रसूलों में शामिल करने वाले हैं। तो कत्ल किए जाने का खौफ था, तो माँ से अपने इस बच्चे की जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। मादर मूसा को बच्चे से मिलाने के लिए, मादर मूसा जिनका नाम युकाबित था, उनसे बच्चे को मिलवाने के लिए कि नाकाबिले बर्दाश्त जुदाई और गम के अंदर मुबतला हो गई थी मादर मूसा। इस बात का इंतजाम परवरदिगार आलम ने किया कि माँ के दूध के अलावा किसी दाया का दूध जो है मूसा ना पी, और ये इस बात का सबब बना कि मादर मूसा बच्चे की कहीं इस जुदाई के अंदर उस राज को फाश ना कर दें जो परवरदिगार अभी इसको राज रखना चाह रहा है, और ये कुरान की आयत में भी आया। और मूसा की वालदा का दिल सब्र से खाली हो गया, करीब था कि वो अपनी बेकरारी के बायस इस राज को जाहिर कर देती हैं अगर हम उनके दिल पर सब्र सकून की कुवत ना उतारते। यानी उनकी इस वजह से दाइयों का दूध हराम करा दिया, इस वजह से हजरत मूसा ने किसी दाया का दूध नहीं पिया कि परवरदिगार ने ऐसा एहतमाम किया कि किसी तरीके से मादर मूसा वापस मूसा के पास चली जाए दूध पिलाने के लिए, ताकि इस उनका जो गम से सब्र का दामन हाथ से छोड़ बैठी अपनी इस बेकरारी की वजह से उस राज को ना जाहिर कर दें। ये इस वजह से नहीं कि पैगंबर के लिए माँ के अलावा किसी और का दूध पीना हराम था, इस वजह से मूसा के लिए अलग से इंतजाम किया गया, नहीं, ये इस वजह से था कि मादर मूसा की हालत ऐसी हो चुकी थी, खुद कुरान की आयात के अंदर आगे चलकर है कि उस राज को जाहिर कर देती जो परवरदिगार अभी जाहिर नहीं करना चाह रहा था। यह एहतमाल पैदा हो गया, तो परवरदिगार आलम ने इस तरह से हिकमत अमली बनाई, और फिर अगली आयात में कि फिर हमने तुमको तुम्हारी वालदा की तरफ परवरिश के बहाने वापस लौटा दिया ताकि उनकी आंखों में भी ठंडक होती रहे और वो रंजीदा भी ना हो। तो आपने देखा कि पूरा वाकया असल में ये था कि ये मूसा को उनकी वालदा की जुदाई के गम की वजह से वहां तक पलटाया गया, ना ये दूध पिलाने का इस वजह से मसला नहीं था कि उनके ऊपर माँ के अलावा किसी और का दूध पीना जो है वो कि नबी किसी और की का दूध नहीं पी सकता अपनी माँ के अलावा, इस वजह से इस बात को एक बेस बना के जो है वो उछाला जाए। अच्छा, अब यहां पर उलमाए तारीख ने दो अहतमालात जिक्र किए कि क्या सा दूध पिलाकर वापस चली जाती थी, या बच्चे के साथ महल में रहते हुए बच्चा मुकम्मल तौर पर माँ के पास रहा था। तारीख इस सिलसिले में खामोश है, लेकिन उलमा कहते हैं नौजायदा बच्चा जितनी जल्दी जल्दी माँ का दूध पीता है उसमें ज्यादा करीन अकल यही कि मादर मूसा ने फिरौन के महल में कयाम कर लिया था, क्योंकि बच्चे को तो हर दो दो घंटे बाद, डेढ़ डेढ़ घंटे बाद, दो दो घंटे बाद दूध पिलाना होता है। बार बार ये तो नहीं कर सकती कि दिन में एक दफा पिलाया और चली गई फिर अगले दिन आ रही, तो बच्चे की जो सूरत हाल होती है उसमें तो बार बार दूध पिलाना होता है। तो इस लिहाज से मादर मूसा ने वहीं पर ही कयाम किया था और यकीनन वहीं पर ही खाना पीना भी खाया होगा अपना। बहुत से लोग इसके अंदर भी चीजें लेकर आते हैं कि कैसे मुमकिन है कि काफिर और इतने जालिम के घर का खाना जो है वो खा लें। तो बाकायदा आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने, जो कि अबू लहब की लौंडी थी जिसने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया, तो उस सिलसिले में लिखा है कि जरूरी नहीं कि काफिर के घर का हर माल हराम हो। ये लोग आमतौर पर ये चीज समझते नहीं, और वो क्योंकि उसकी तफसीलात से वाकिफ नहीं है तो बहरहाल इस लिहाज से उनके ऊपर एक एतराज कर देते हैं। तो इस लिहाज से उसी फिरौन के घर के अंदर ही मादर मूसा इस लिहाज से तरबियत करने और दूध पिलाने के हवाले से रही थी। और उसके बाद जब चीरख्वारगी का जमाना पूरा हो गया तो मुस्तकिल तौर पर फिर मूसा को फिरौन के हवाले कर दिया था। और बहरहाल ये भी है कि हमारे जो पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, दरिया में डाले जाने के वाक़े के बाद से लेकर, यानी मादर मूसा के मूसा से जुदाई फकत तीन दिन की थी, तीन दिन के अंदर अंदर मादर मूसा मूसा के पास पहुंच गई थी, और उसके बाद जवानी तक मूसा फिरौन के महल में रहे।
और बाकायदा कुरान के अंदर मूसा ये फिरौन का कौल भी नकल किया गया। अभी तो पहले कि बस हमने ये तो परवरदिगार आलम कह रहे बस हमने मूसा को उनकी वालदा के पास लौटा दिए जो अभी आपने सुना। फिर फिरौन ने ये बात कही थी कि क्या हमने तुम्हें अपने यहां बचपन की हालत में नहीं पाला था और तुमने अपनी उम्र के कितने ही साल हमारे अंदर बसर किए थे इनके उसके महल में, यानी फिरौन ने फिरौन के महल में कितने ही साल हजरत मूसा ने गुजारे, कितने ही साल। तो इसका मतलब है जब कितने ही साल गुजारे तो वहीं का खाना भी खाते होंगे, वहीं खुर्दोनोश की चीजें भी वहीं की तनावुल फरमाते होंगे हजरत मूसा। तो आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि भाई जब दूध इस लिहाज से ये निजासत और या काफिरा थी कैसे मुमकिन है कि उनका दूध पिए, तो फ़कत शीर ख्वारगी के ज़माने ही तक तो ये मसला नहीं होता, उसके बाद तक भी जो है वो निजासत खाना नाजायज़ होता है। तो इसके बाद तो कुरान की आयत है कि कितने ही साल मूसा फिरौन के महल के अंदर रहें, तो यकीनन वहाँ की चीज़ें भी सब जो है वो खाई होंगी। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि फिर जब मूसा ने अपनी जवानी को पहुँच गए, कुरानी आयत भी और सन एतदाल पर आ गए, तो हमने उन्हें नबूवत और इल्म दानिश से नवाजा, हम नेकोकारों को इसी तरह से इसका सिला दिया करते हैं जो कुरान की आयात भी। और उसके बाद फिर मूसा ने तौहीद की गुफ्तगू करना शुरू की जो कि जी उसके बाद फिर मूसा ने इस अंदाज से तौहीद की गुफ्तगू करना शुरू की जो बहरहाल फिरौन ने फिर उसके बाद वो जो वाकयात हैं कत्ल का उनके इरादा कर लिया और मूसा भाग गए वहाँ से छोड़ के महल को, फिर शहर में आ गए, फिर वो किप्ती को उन्होंने कत्ल कर दिया, वो जो पूरा आप कुरान के अंदर पढ़ती हैं। तो बहरहाल नजमुल हसन कर्रारवी साहब की इस जो उन्होंने एक अपना एक इख्तलाफी नोट इस सिलसिले में लिखा है, इसकी इस नज़रिए किसी भी आलिम ने, किसी मुज्तहिद ने, किसी मौर्रिख ने, किसी मुफस्सिर ने इस नज़रिए की तायद नहीं की है। और ये मसला फ़कत दो ढाई साल की रज़ात तक नहीं था, यानी कि माँ के दूध को तो चले दो साल तक सिर्फ पिलाने का उस लिहाज से हुक्म है, लेकिन उसके बाद जवानी तक भी मूसा फिरौन के महल में रहे हैं। और इसी तरीके से पैगंबर इस्लाम जो आमतौर पर देखिए पैगंबर का नफ्स जो होता है और पैगंबर इस्लाम का जो नफ्स था ये इतना कवि नफ्स था कि इस बात से बहुत बाला है कि किसी औरत के दूध से मुतासर हो जाए, कि उसको पढ़ के लोगों ने ये भी लिखा है कि उसके असरात आने लगते हैं, जैसे अभी आपने उनके दलाइल में सुना था कि उसी से गोश्त पोश्त नमू पाता है, उसके असरात मुंतकिल होते हैं। तो पैगंबर का इंतहाई कवि नफ्स खातिमुल अंबिया का, वो कैसे किसी औरत के दूध पिलाने से मुतासिर हो सकता है बिलफर्ज अगर हम उसको उनकी इस बात को मान भी लें। और पैगंबर उसके बाद क्या बाजारों से पैगंबर अशिया कुर्दोनोश उन काफिरों से नहीं खरीदते थे, उनको इस्तेमाल नहीं करते थे पैगंबर, उससे भी कोई मुतासिर नहीं होते थे। तो बहरहाल अब देखिए इसमें आगा सिस्तानी से भी एक इस्तफ्ता इस सिलसिले में किया था हमने और उसमें सवाल ये पूछा था कि बाद अहले इल्म ने लिखा है कि हलीमा सादिया रसूलल्लाह की रज़ाए वालिदा थी, रज़ाए वालिदा नहीं थी और ये वाकयात झूठ हैं, तो क्या ये बात सही है? तो वहाँ से उनका ये जवाब आया कि हलीमा सादिया रसूलल्लाह की रज़ाए वालिदा थी, आपकी वालदा हज़रत आमना बिनते वहाब का दूध कम हो गया था, इसलिए आपको हलीमा सादिया के सुपुर्द किया गया था। और उस ज़माने में अशराफ़ बुजुर्गान अरब में यह रस्म आम थी कि औलाद को दाया के सुपुर्द करते थे। यह आयतुल सिस्तानी का हमें जवाब मिला जो कि फारसी में मौजूद भी है हमारे पास, इसका भी आपने तर्जुमा देखा। इसी तरह से आयतुल्ला सादिक शिराजी ने भी बाकायदा अल्लामा मजलिसी सफीनतुल बिहार के हवाले से बात तहरीर फरमाई है कि हज़रत हलीमा सादिया वो मोमिना और मुवाहिदा थी और दीन इब्राहिमी पर थी और हरगिज तरीक़े जाहिलियत पर ना थी। और फिर मिर्ज़ा हुसैन नूरी वगैरह का हवाला भी उन्होंने दिया। तो इन जो मुज्तहिदीन का जो नज़रिया है वो भी इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और ये उनके फतवे का जो है वो मतन है। तो देखिए तमाम मुसलमान जब वहाँ जन्नतुल बकी जाते हैं तो हज़रत हलीमा सादिया के कब्र पे भी जाते हैं और उनकी बाकायदा एक ज़ियारत भी जाकर पढ़ते हैं कि अस्सलामु अलैकी या उम्मा रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकी या मर्ज़े आता या मुर्ज़े आता रसूलिल्लाह, ऐ रसूलल्लाह की वालिदा आप पर हमारा सलाम हो और ऐ रसूलल्लाह को दूध पिलाने वाली आप पर हमारा सलाम।
तो तमाम मुसलमान जन्नतुल बकी जाकर बाकायदा तौर पर ये बात कहते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल इसके खिलाफ हमने देखा कि बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इस पर डिस्कशन शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ बातें शुरू हो गई हैं और मुकद्दसात की तौहीन के हवाले से इन चीज़ों को राइज किया जा रहा है कि जो मुकद्दस हस्तियाँ हैं इनके ऊपर इल्मी हमले किए जाएँ, इनके ईमान को मशकूक बनाया जाए ताकि उसके बाद के मरहले उनके लिए आसान हो जाएँ। कुछ अरसे ये काम करेंगे, अब नौजवान कितने हैं जो कि इसके ऊपर बहसें कर रहे हैं और बाकायदा वो भी इस नज़रिए को मानने लगे हैं और वो माज़ल्ला सराहतन कहने लगे हैं कि उनका इस्लाम साबित नहीं है और वो इस्लाम के ऊपर उनका इंतकाल नहीं हुआ। एक लिहाज से जिसे कहा जाए माज़ल्ला कि वो काफिरा थी, इस किस्म के नज़रियात का इजहार करना, तो पहले इसे कि नौजवान आपके घरों के अंदर भी आएंगे, आपके भाई बहन शोहर इन नज़रियात के हामिल होकर, और एक इब्तदा वो लोग इससे कर रहे हैं, उसके बाद दीगर आहिस्ता आहिस्ता मुकद्दस हस्तियों को भी निशाना बनाएंगे, जैसे गुलू के पर्दे में निशाना बनाने लगे, तो पहले से आपको इन तमाम चीज़ों के मुतालिक आगाह करना मकसूद था। बस यहाँ पर अपनी गुफ्तगू रोकते हैं, तीन चीज़ों के ऊपर ही आज हमें अपनी गुफ्तगू रखनी थी, तो यहाँ पर गुफ्तगू रोकते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। الله جل جل يا صاحب السماء